सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं हूं करण सिंह और आप देख रहे हैं कृषि जागरण चैनल। आज हम बात करेंगे अरबी की फसल को लेकर कि किसान किस तरह से अरबी की फसल लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि अरबी की फसल गर्मी के मौसम में उगाई जाती है और इसके पत्ते भी तमाम प्रकार सब्जी बनाने के काम आते हैं। हम आज इस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे किसान भाइयों से अरबी की फसल को लेकर। हम बात कर रहे हैं अरबी की, और अरबी को जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि अरबी एक मुनाफे की खेती है, किस तरह से अच्छा खासा मुनाफा इसमें कमाया जा सकता है, क्योंकि अरबी कई नामों से जाने जाते हैं। और अरबी के पत्तों से लेकर उसके नीचे पड़ने वाली गांठें, जो जिसको अरबी घुया और तमाम नामों से जाना जाता है, जो कि ये कैल्शियम से भी भरपूर होती है और कई पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। गर्मियों में इसका उपयोग खाने के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि अरबी की खेती कितना ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए। अगर आपके पास ज़मीन है और खेत है तो उसमें किस तरह से हम अरबी की खेती को लगाकर हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, कम जगह में भी अरबी की खेती लगाकर और उससे भी हम अपनी इनकम का स्रोत बढ़ा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि चैनल की पूरा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें किस तरह से अरबी की फसल उगाकर हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो अगर हम बात करें अरबी की किस्मों को लेकर कि कितने किस्म की अरबी पाई जाती है, उसमें जो प्रमुख तरीके से जो किसान अपने खेतों में अरबी लगाते हैं, अच्छी नस्ल की अरबी लगाते हैं, उसमें पंचमुखी है, सफ़ेद गौरैया है और सहसमुखी है, और बापटला भी है जिसको लेकर अच्छी किस्म की अरबी मानी जाती है। और खरीफ की फसल में इसको सिंचाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी अच्छे उत्पादन के लिए बारिश होने से पहले इसको 10-12 दिनों के अंतराल में इसमें पानी लगाया जाता है, जिससे कि अरबी की खेती अच्छी हो सके और उसमें जो गांठ होती है वो अच्छी मोटी और साफ़ सुथरी गांठ पड़े, जिससे कि अच्छी खासी इनकम मार्केट में उसके द्वारा हो सके। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें पैदावार की कि अरबी में कितने दिनों में तैयारी हो जाती है और कितने दिन में ये बनकर गांठ तैयार हो जाती है, कितना समय लगता है इस फसल के लिए, तो हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि समय के अनुसार, मौसम के हिसाब से अलग अलग समय परिवर्तित थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन फिर भी अरबी की फसल 130 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कंदों को संपूर्ण पकने के बाद ही बाज़ार में भेजने और बेचने के लिए इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद ही उसको लगभग 130 से 140 दिनों के बाद खोदना चाहिए। अच्छी किस्मों और एवं खेती के लिए तकनीकी का आधार पर अगर हम बात करें इसकी उपज की, तो 150 से लेकर 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार हो जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई, आप लोग अगर आपके पास ज़मीन है और आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, तो इस तरह से आप अरबी की अच्छी नस्ल की अरबी लगाकर और अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कई चीज़ों को देखभाल भी करनी पड़ती है कि सूखे पत्ते हैं, तमाम प्रकार की घास ना उपजे, तो इन सब चीज़ों को देखभाल करने के बाद आप अरबी की खेती कर सकते हैं और उसके द्वारा एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये किसानों के लिए बहुत अच्छा इनकम का स्रोत। वहीं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कृषि जागरण चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।